तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन इवेंट के बारे में जो कि पिछले दो तीन दिनों में आए हैं। एंड उसके अलावा काफ़ी सारे बंदे बोल रहे थे 7 दिन रह गए प्रीमियम क्रेट को, प्रीमियम क्रेट की लीक्स तो आपने डाल दी है बट क्लासिक क्रेट की लीक्स अभी तक नहीं डाली आपने। तो क्लासिक क्रेट की लीक्स मेरे पास आ चुकी है बट वो थोड़ा ना निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। जो लीक्स निकालता है ना वो भी निकाल रहा है, उसने आधी लीक्स मेरे पास सेंड कर दी है, आधी लीक्स अभी वो सेंड करेगा। जैसे मेरे पास पूरी लीक्स आ जाएगी मैं कल अपलोड कर दूंगा, है ना। एंड सबसे अच्छी बात जो कि सबकी डिमांड थी भाई, सप्लाई क्रेट, सप्लाई क्रेट की लीक्स भी मेरे पास आ चुकी है। अगर आप इस वीडियो पे 30,000 लाइक करते हो तो कल मैं सप्लाई की और क्लासिक की क्रेट दोनों ही डाल दूंगा अपने चैनल पर लीक्स के साथ, ठीक है। आपको कंफर्म हो जाएगा क्या क्या आने वाला है, न्यू BGMI के अंदर एंड PUBG के अंदर दोनों की लीक्स आ चुकी है। तो भाई लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो पता चले भाई लाइक तो कर दिया सब्सक्राइब किया ही नहीं, वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं गया। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई जो इवेंट आया था कल परसों आया था, ये वाला इवेंट 1 तारीख को आया था, तो इस इवेंट को कंप्लीट कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको खेल गुली के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर आप अनलिमिटेड फ्री कस्टम खेल सकते हो फ्री के एंड जीत सकते हो 10,000 रुपए तक से ज्यादा। खेल गुली एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके सामने टूर्नामेंट वाला पेज आ जाएगा जहां पर आपको मिलेंगे अनलिमिटेड फ्री टूर्नामेंट। तो फटाफट ज्वाइन पे क्लिक करें और अपनी IGN और ID डिटेल डालो और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। IDP के लिए दोस्तों टूर्नामेंट शुरू होने से 15 मिनट पहले आपके पास SMS आ जाएगा और आपके ज्वाइंट सेक्शन से भी आप अपनी ID पासवर्ड को कॉपी कर सकते हो। और विड्रॉल तो इतना आसान है, एक क्लिक किया पैसा आपका इंस्टेंटली विड्रॉ हो जाएगा आपकी UPI के अंदर। तो देरी किस बात की, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करो एंड मेरे साथ ज्वाइन करो। अब ये वाला जो इवेंट है बहुत ही आसान इवेंट है, अगर आप दिमाग लगा के कंप्लीट करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, एक मैच के अंदर कंप्लीट होने वाला इवेंट है ये। अब सबसे पहले आप देखोगे तो मैंने इवेंट कंप्लीट कर रखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ जब इवेंट मैंने कंप्लीट किया था और मैंने कैसे कंप्लीट किया वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एंड मेरे हिसाब से भाई ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं इतने प्रूफ के साथ, मैंने शुरू से लेके एंड तक सब कुछ दिखाया है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। एंड सबसे पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ मुझे क्या क्या मिला। सबसे पहले मुझे 200 एजी करेंसी मिल गई एंड इस वाले इवेंट को कंप्लीट करने के साथ साथ आपके सारे इवेंट ही कंप्लीट हो जाएंगे, ओल्ड वाले जितने भी है जैसे कि मेरे भी हो गए। अब यहाँ पर मुझे प्रीमियम के स्क्रैप भी मिल गए, मतलब 1 क्रेट के आसपास मिल गई, 5 स्क्रैप मिले हैं। उसके बाद ये वाली आउटफिट जो कि मेरे पास नहीं थी, देख सकते हैं, इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद वीकली पे चलते हैं, देखो अभी तक मैंने ये भी नहीं कलेक्ट किया, मतलब सुबह सुबह ही मैं वीडियो बनाने लग गया था। एंड उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर होली फन पिचकारी वाला भी हमने कर लिया है एंड उसके अलावा ये भी मैंने कर लिया जिसमें टोटल 50 मैच खेलने थे, तो 50 के 50 मैच मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड उसके बाद मेन जिसके अंदर हमें एक M4 की स्किन मिल रही है, ओके करता हूँ, एक DP की स्किन मिल रही है, ओके करता हूँ, एंड एक परमानेंट पैराशूट मिल रहा है। अगर भाई यही चीज़ें अगर सारी की सारी परमानेंट होती ना, सही बता रहा हूँ, मज़ा आ जाता। अब इस आउटफिट की बात की जाए तो आउटफिट अच्छी है, मुझे इतनी बेकार नहीं लगी, फ्री में मिल रही है तो बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद M4 की स्किन तो भाई है ही प्यारी बट M4 की परमानेंट होती तो मज़ा आ जाता। ये वाली M4 की स्किन मेरे पास नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है बट मेरे पास फूल है तो फूल ही यूज़ करूँगा मैं, बट जिनके पास अच्छी स्किन नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं भाई। DP की स्किन भी काफ़ी प्यारी है, DP की भी मेरे पास नहीं है ये वाली स्किन बट अच्छी है। ये पेड क्रेट के अंदर आई थी ना, इस वजह से नहीं है मेरे पास। एंड पैराशूट एक कलेक्शन के अंदर आ गया, वैसे तो मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे पैराशूट है बट ये वाला भी बहुत प्यारा लगा मेरे को, आप भी ले लेना, बहुत आसान है। कैसे लेना है वो आपको मैं बताता हूँ। चलते हैं थोड़ा सा पीछे जहाँ से मैंने ये वाली वीडियो बनानी स्टार्ट की थी सुबह सुबह। अब ये वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट की थी सुबह 6 बजे एंड डेट आप देख सकते हो 3 मार्च। एंड अभी मैं आपको गेम ऑन करके दिखा देता हूँ कि मेरा मिशन कम्प्लीट है या नहीं, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने सब कुछ आपके सामने ही किया है। एंड सुबह 6 बजे तक मेरा मिशन कंप्लीट नहीं था एंड 7 बजते मैंने ये वाला मिशन कंप्लीट कर दिया। कैसे किया वो आपको भी पता चलेगा। इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में पहले ढूंढा कि हाँ कैसे करें, उसके बाद मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बनाई, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने रियल अकाउंट में आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं पारस ऑफिशियल मेरा अकाउंट है। अब मैं चलता हूँ इवेंट पे एंड आपको जाके दिखाता हूँ कि मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट है या नहीं। इवेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सारे मिशन पहले से कंप्लीट थे, सिर्फ होली बैश वाला जो इवेंट है उस पर देखो कोई भी रेड मार्कर नहीं बना हुआ है। एंड इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा एक भी फ्लेयर गन वाला मिशन कम्प्लीट नहीं हुआ, ना ही M4 वाला हुआ है, ना ही DP वाला हुआ है, ना ही पैराशूट वाला हुआ है। अब मैंने ये वाला मिशन कम्प्लीट कैसे किया वो आपको मैं बताता हूँ एंड आपको लाइव दिखाता हूँ।
अब यहाँ से असली वीडियो स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने अनरैंक्ड में जाके इरेंगल सेलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया गेम को, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, अनरैंक्ड में जल्दी फ्लेयर मिलेगी आपको एंड एक फ्लेयर मिलते ही आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो आपको अंदर जाके बताता हूँ। अब सुबह सुबह कोई खेल तो रहा नहीं था, तो मुझे एक एंजल नाम की लड़की ऑनलाइन दिखी, तो मैंने बोला चलो तुम ही आ जाओ एंड मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प करवा देना, अगर फ्लेयर मिले तो मुझे बताना। अब यहाँ पर हम लैंड कहाँ पर करते हैं, सबसे देखने वाली बात वो है, क्योंकि जहाँ पर फ्लेयर मिलती वहीं पर लैंड करेंगे ना। मैं आपको लोकेशंस बता देता हूँ आपको कहाँ पर लैंड करना है। आप जॉर्जो लैंड कर सकते हो, आप नोवो लैंड कर सकते हो, आप मिलिट्री बेस लैंड कर सकते हो, मिल्टा पावर लैंड कर सकते हो, इन जगहों पर आपको आसानी से फ्लेयर मिल जाएगी। बट सबसे ज़्यादा फ्लेयर मिलती है जॉर्जो में, तो जॉर्जो में जाओगे तो आपको जल्दी फ्लेयर मिलेगी। मुझे कितनी फ्लेयर मिली है आप देख के हिल जाओगे, मतलब भाई पहली ही वीडियो में मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी, पूरा इवेंट ही कंप्लीट कर दिया। अब इस वाले मैच में अपने कोई एक्सूट वाला बंदा आ गया था, इसके पास लेवल वन का एक्सूट था, थोड़ा बच्चा सा लग रहा था ना मेरे एक्सूट के आगे, भाई अजीब सा ही लग रहा था। अब इस वाले मैच में फटाफट से लैंडिंग करते हैं एंड उसके बाद दिखाता हूँ आगे क्या हुआ। अब जो जॉर्जो पुल था थोड़ा सा दूर था, तो मैंने सोचा चलो स्लाइड करके पहुंच जाएंगे, बट हम पहुंच नहीं पाते हैं। बट रास्ते में हमें मिल जाती है गाड़ी एंड गाड़ी उठा के हम पहुंच जाते हैं जॉर्जो पुल एंड वहां जाके देखना मैंने क्या किया। यहां से मैं वीडियो को ज़्यादा कट नहीं करूंगा, मेन मेन पार्टी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इधर से गाड़ी उठाते हैं ताकि आपको सब कुछ पता चले ना, कैसे कैसे कम्प्लीट हुआ कैसे कैसे नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर भी थोड़ा कम ही करूँगा, आप मैच इन्जॉय करो मैंने क्या क्या किया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर गाड़ी नहीं मिलती, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई किस्मत के एल लगे पड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता भाई इस गेम का। मतलब इन्होंने गैराज बना क्यों रखा जब गैराज के अंदर गाड़ी नहीं देनी है। अब यहाँ पर मैं और मेरे टीममेट्स ये डिसाइड करते कि आधा जॉर्ज पुल वो लूटेगी, आधा जॉर्ज पुल मैं लूटूंगा, देखते हैं किसको फ्लेयर पहले मिलती है। हमें ये तो कन्फर्म था कि हमें फ्लेयर मिलेगी, क्योंकि भाई जॉर्ज पुल में फ्लेयर नहीं मिलेगी तो कहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर देखो मुझे मिलती कैसे है फ्लेयर एंड उसके बाद हमने इस वाले मिशन को कम्प्लीट कैसे किया। मैं मार्क दे रही, इतना जॉर्जो पुल इस साइड का मेरा राइट वाला, मेरा लेफ्ट वाला आपका, जाओ अब मैंने वीडियो को कट इस वजह से नहीं किया, आपने देखा मैं एक एक कंटेनर के अंदर तक देख रहा हूँ। जैसे मैंने इस वाले कंटेनर के अंदर देखा मुझे फ्लेयर मिल गई। अब आपको मिशन कैसे कंप्लीट करना है, जैसे ही आप में से किसी को भी एक फ्लेयर मिलती है ना, जो भी इस वाले मिशन को कंप्लीट करना चाहता है उसको एक बार फ्लेयर को गिराना है, फिर उठाना है, फिर गिराना है, फिर उठाना है, ऐसा उसको करना है 10 से 11 बार, क्योंकि 10 बार का मिशन है। तो अगर आप एक दो बार एक्स्ट्रा कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आप हरकतें देख लो मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ। एक फ्लेयर मिलने के बाद आपको उसको रीलोड भी करना है गिराने के बाद, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने गिराया उठाया और हो गया मिशन, ऐसा नहीं होगा, आपको रीलोड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसी हरकतें करूँगा मैच के बीच में। अब यहाँ पर सीन क्या होता है वो देखना। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं फ्लेयर चला देता हूँ, 10-15 बार गिरा के उठा लेता हूँ एंड मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था कि ये कंप्लीट होता है या नहीं कंप्लीट होता, क्योंकि वहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि 10 फ्लेयर को चलाना है, वहां पर सिर्फ 10 फ्लेयर पिकअप को भी नहीं लिखा, वहां पर सिर्फ लिखा है 10 फ्लेयर, ओनली 10 फ्लेयर लिखा है मिशन के अंदर। तो मैंने सोचा एक ही फ्लेयर को बार बार रीलोड करके देखते क्या पता ये हो जाए, है ना, सक्सेसफुली। अब यहां पर जैसे ही मुझे लगता है मैंने 10 बार कर लिया, उसके बाद मैं फ्लेयर चला देता हूं। अब फ्लेयर चलाने के बाद मैंने सोचा कि मेरा मिशन तो हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना, जो मेरे साथ प्लेयर खेल रही है इसका भी मिशन करवा देते हैं, एक फ्लेयर और ढूंढता हूँ क्या पता और मिल जाए। तो यहाँ पर मैं और फ्लेयर ढूंढने लग जाता हूँ, तो मेरा जो मतलब जॉर्जो पुल का लूटने का सेक्शन था वो इस साइड का था, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का वो लूट रही थी। आप देखोगे जॉर्जो पुल के अंदर आपको एक लकीर सी दिख रही होगी, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हाँ उधर के साइड ये लूटेगी, इधर के साइड मैं लूटूंगा, तभी वीडियो जल्दी बनेगी। एंड भाई आप मानोगे नहीं, पहली वीडियो ही थी, अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही की थी और पहली वीडियो के अंदर ही सक्सेसफुली वीडियो बन गई। मतलब भाई आप देख सकते हो, मतलब
कितना दिमाग लगा के मैंने इस वीडियो को बनाया होगा। अब यहाँ से मैं लूटते लूटते चल जाता हूँ थोड़ा आगे। मैं अभी भी कंटेनर्स के अंदर अंदर देख रहा था ताकि मुझे और फ्लेयर मिले एंड मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ भाई ये वाली ट्रिक वर्क करती है। अनरैंक के अंदर अगर आप जाके खेलोगे, अभी तो देखो ज्यादा प्लेयर उतरे नहीं थे, बट जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो ये वीडियो मुझे पता है 1 से 1.5 लाख लोग तो देखेंगे, ठीक है। अब 1 से 1.5 लाख लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो भाई यहाँ पर अनरैंक्ड खेलने वाले प्लेयर भी बढ़ जाएंगे, तो आपको थोड़े से प्लेयर ज्यादा देखने को मिलेंगे जॉर्जियो पूल में। बट किस्मत आपकी अच्छी है कि ये अनरैंक्ड के अंदर ट्रिक वर्क कर रही है, मतलब रैंक्ड के अंदर भी वर्क कर रही है, बट वहां पर आपका माइनस हो सकता है। अगर आप जॉर्जियो पूल पे उतरोगे ना, आप सेफ खेलने वाले बंदे हो, आप जॉर्जियो पूल जाओगे तो वहां पर उतरते अगर आप मर जाते हो तो आपका माइनस हो जाएगा, बट अनरैंक्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बोट महाराज आते हैं हमें किल देने के लिए, बट मुझे किल चाहिए नहीं था, फिर भी हमने मार दिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बोल रहा था कि अनरैंक के अंदर ये है ना कि आप जितनी बार भी मरोगे ना आपका माइनस नहीं होगा, तो आपको दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर से मैं ढूंढने लग गया था, अभी देखना यहाँ पर क्या सीन होगा। एक फ्लेयर तो हमने चला दी थी, अभी यहाँ पर मुझे और फ्लेयर्स मिलने वाली है। एक फ्लेयर नहीं मिलेगी, और फ्लेयर्स मिलेंगी। अब यहाँ पर एक और बोट आ जाता है तो मैं इसे मारता हूँ एंड मैं कंटेनर के अंदर स्कोप ऑन कर करके देख रहा था कि भाई फ्लेयर मिल जाए, तभी मुझे दूर से एक और फ्लेयर चमकती है। भाई साहब मैंने बोला भाई ये हुई ना बात, मतलब ये दूसरी फ्लेयर है, अभी और फ्लेयर मिलेगी भाई, देखते जाओ। यहाँ पर देखो मजेदार, मतलब एक स्क्रीनशॉट तो बनता था इसका ना, बट मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं, मैंने बोला भाई स्क्रीनशॉट में कुछ और लगाएंगे, बट अभी के लिए ना ऐसा ही रखते हैं और ढूंढते हैं। तभी मुझे मेरा टीममेट कॉल देता है कि भाई उसे भी फ्लेयर मिली एंड मैं बोलता हूँ तो इधर लेके आ मेरे पास फ्लेयर, एंड वो लेके आती है मेरे पास एंड देखो फिर हमारे पास कितनी फ्लेयर हो गई। अब जो मेरी टीममेट थी वो भागे भागे मेरे पास आई एंड मैंने बोला चल फ्लेयर मुझे दे, एंड मैंने इसे बुलाया, मैंने इसको बोला कि इधर एक चीज दिखाता हूँ। इसको मैंने फ्लेयर दिखाई, इसका रिएक्शन देखना भाई साहब, मतलब ये भी कहती भाई ये क्या है भाई साहब, मतलब एक ही जगह पे 3 फ्लेयर देख रहे हो। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको जॉर्जियो पूल में आके आप इस वाली ट्रिक को यूज करना, ज्यादा फ्लेयर्स मिलेंगी। अरे भाई क्या जमा रहा है। बाकी अब चलते हैं फटाफट से यहाँ पर, अपने फ्रेंड का भी अगला मिशन कंप्लीट करवा देते हैं। उसको भी मैंने बोल दिया था कि भाई फ्लेयर उठा एंड जैसा मैंने किया 10 बार नीचे गिराना है, उठाना है गिराना है उठाना है गिराना है। तो इसको मैं एमओ वगैरह दे देता हूँ एंड एमओ वगैरह देने के बाद मैं इसे समझा देता हूँ कि ट्रिक वर्क कैसे करेगी। तो ये कहती है कि ये करवा क्या रहा है मेरे से, ऐसे करने से होगा क्या। मैंने बोला तू देख तो सही क्या होगा, जादू होगा, तू कर तो सही जो मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने फ्लेयर गिराई थी उठाई थी गिराई थी उठाई थी, वैसे ये भी उठाती है गिराती है 10 बार ये भी कर लेती है, उसके बाद हम मर जाते हैं। मरने के बाद हमारा जो मिशन है वो कम्प्लीट हुआ या नहीं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड हाँ एक चीज का आप ध्यान रखना, जो फ्लेयर चलाएगा उसी का मिशन कंप्लीट होगा। ये नहीं कि आपने पूरी स्क्वाड में बोल दिया कि भाई फ्लेयर ले उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा, चारों बंदों ने 10-10 बार उठा ली गिरा ली और एक बंदे ने चला दी, तो जो चलाएगा ना उसी का कंप्लीट होगा। मैंने ये भी देखा है, तो मैंने इसको बोला तू चला दे क्योंकि मैंने तो चला लिया फ्लेयर। तो यहाँ पर हमें 3 मिली थी, हम बंदे 2 थे, अगर 3 बंदे होते तो तीनों का मिशन कंप्लीट हो जाता। उसके बाद मैं इसे बोलता हूँ कि चल तू मोली या फिर नेड कर दे, अपने आप को मरते हैं देखते हैं बाहर जाके कि हमारा जो मिशन है हमने जो इतनी मेहनत की है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर फटाफट से हम अपने आप को मोली करते हैं एंड इधर से बाहर निकलते हैं एंड आपको लाइव दिखा रहा हूँ सारा कुछ। भाई आप जाके ट्राई करना, अगर आपका हो जाता है ना तो इस वीडियो पे आके दोबारा से कमेंट कर देना कि पारस भाई हमारा हो गया। अब यहाँ पर बाहर निकलते ही मैं जाता हूँ इवेंट पे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे तीनों के तीनों मिशन, जिसमें मुझे मतलब 3 बार 5 बार और 10 बार उठानी थी, तीनों के तीनों मिशन कंप्लीट हो चुके हैं इजीली। अब इसके लिए 1 लाइक तो बनता है भाई, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ सप्लाई क्रेट की लिंक्स और क्लासिक क्रेट की लिंक्स किसको किसको चाहिए वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। हाँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ये M4, ये DP।